नहीं मैं तो बोर हो रही हूँ उनके बगैर, अकेला अकेला सा फील हो रहा है। कुछ बनाने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने व्यूअर्स को बताया, मैंने कहा आज मैंने सोचा था फ्रूट चाट बनाऊंगी, लेकिन आज मेरे बच्चे घर नहीं है तो इस वजह से मैं फिर चना चाट ही बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आर फैमिली व्लॉग्स एंड आर यूट्यूब चैनल। मैं ज़किया मनीर आज आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। आपको आज पाँचवीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आज पाँचवा रोज़ा जो है वो भी अपने इख्तिताम के पहुँचने वाला है और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा होगा। और इधर फिज़ा भी ज़िद कर रही है कि मैं भी हूँ। ये देखें जी, एज़ यूजुअल मैंने चने बॉयल कर लिए हैं और फिज़ा कह रही है जी मैंने भी चने खाने हैं। फिज़ा के बाल देखें बिखरे हुए, सोए भी अभी उठी है इस वजह से इसके बाल इस तरह से बिखरे हुए, और इसने ये अपने लिए डाल लिए चने। चने हो गए हैं और साथ ही मैं ले आई हूँ ये आलू भी बॉयल करके। अभी इनको भी छीलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसके बाद। और हाँ व्यूअर्स, आपको ये भी बताना था कि नमीरा मिनसा आज फिर वापस नहीं आई हैं। वो आज फिर अफ्तारी जो है दादों के घर करेंगी, तो हम देखते हैं अब फिर क्या बनाते हैं। बच्चे घर पर ना हो तो वैसे भी कुछ बनाने को दिल ही नहीं करता बंदे का, तो यही सोच रही हूँ कि फिर आज चाट ही बना लेते हैं और साथ फ्रूट रख लेते हैं। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि आज फ्रूट चाट बनाएंगे, लेकिन अब नमीरा मिनसा घर नहीं है तो इसलिए आज के लिए फिर ये स्किप कर देते हैं और देखते हैं फिर चना चाट ही बना लेते हैं। शाजी से मशवरा करती हूँ, वो जो कहेंगे। और ये मैंने आलू छील लिए हैं, आलू भी मैंने छील लिए हैं और ये चने भी मैंने ये टिफ़िन में डाल के तो ये अब रखने लगी हूँ। साथ ही फिज़ा क्या खा रही है, ये चने आलू है, ये आलू है। बाल पीछे करें, सारे पीछे करें, इस तरफ से भी ऐसे करके चल कर ली है। और ये फिज़ा भी इफ्तारी ज़ोरों शोर से जो है वो कर रही है। तो अभी बस किचन में चलते हैं और पतासा चिप्स तो जो है वो हम लाजमी गंदे काम नहीं करें वो तो हम लाजमी बनाएंगे, क्योंकि उनके बगैर मेरी इफ्तारी थोड़ी पॉसिबल नहीं होती है। मुझे आलू चूंकि बहुत पसंद है इसलिए मैं चिप्स लाजमी बनाती हूँ। बेशक एक दो आलू के ही बनाऊँ लेकिन बनाने मैंने ज़रूरी होते हैं। तो अभी किचन में जाते हैं और वो भी बनाना शुरू करते हैं और बाकी साथ साथ जो भी आज के सीन्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये देखें जी, ये चिप्स के लिए मैंने आलू काट लिए हैं और चाट के लिए भी बन गया सामान। अभी इसके लिए मैं बैटर रेडी करती हूँ और उससे पहले दिखाती हूँ ज़रा शाहजी क्या कर रहे हैं। तो चलें ज़रा रूम में जा कर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें ज़रा खाब खरगोश के मज़े लिए जा रहे हैं। शाजी शाजी उठ जाए, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, उठ जाए उठ जाए जल्दी से। ये देखें ज़रा ये सो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अब टाइम थोड़ा तकरीबन आधा घंटा रह गया अफ्तारी को, उठे मेरी हेल्प करवाएं उठ के चले आए। ये आपको मैंने दिखाया था कि आलू मैंने काट लिए हैं, जितने दिन में शाजी आते हैं तो ये मैं इसका बैटर भी तैयार कर लेती हूँ। मसाले वगैरह मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही मैंने फ्लेम स्लो करके तो आयल भी चूल्हे पर रख दिया ताकि ये भी साथ साथ जो है वो गर्म हो जाएगा। तो बैटर वगैरह इसका बनाती हूँ और फिर काम शुरू करते हैं, इतने में शाजी भी आ जाएंगे फिर। माशाल्लाह जी ये देखें, ये मेरे शेफ साहब आ गए हैं, सलाम कर दीजिए। आंखें सूजी हुई हैं आपकी, कच्ची नींद से जगाया। ये देखिए आप खुद जनाब तुम सो जाओ, आज चिप्स भी बना लूंगी, चाट भी मैं बना लूंगी, तुम सो जाओ। मेरा आपके बगैर जो है वो मेरा आपके बगैर अकेले दिल नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी किचन में। और चिप्स बनाने का तरीका देखें, वो आपने दिखाना था ना, चेक करके तू पेंचर है फिर। ये देखें जी शाहजी जागे हैं तो ये मेरे चिप्स जो हैं वो फ्राई हुए हैं, ये कुछ हो गए हैं, ये कुछ हो रहे हैं और यहाँ पे हमने बना लिया जी चाट भी। माशाल्लाह कितनी कलरफुल सी हमारी चाट लग रही है। ये पकोड़े भी रेडी हो गए हैं यहाँ पे हमारे और ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अभी बस हम ये भी चाट मैंने बनाई है, ये जो मैंने कल बनाई थी ना ये वो वाली है, तो ये अभी मैं खुद खाऊँगी और ये खाएँगे शाहजी। फ्रेश वाली आपको दूंगी ठीक है, और जो दूसरी वाली है वो मैं खुद खाऊंगी। बहुत मेहरबानी तो फ्रेश। और बताएं बच्चों के बगैर आपको कैसा लग रहा है,
ਨਮੀਰਾ ਮਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਚੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲਾ ਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ कुछ बनाने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने व्यूअर्स को बताया, मैंने कहा आज मैंने सोचा था फ्रूट चाट बनाऊंगी, लेकिन आज मेरे बच्चे घर नहीं है तो इस वजह से मैं फिर चना चाट ही बना लेती हूँ। अच्छा जी जी, अब वो घर होती तो चलो बच्चे घर नहीं है और बड़ा बच्चा सोते है। हाँ तो वो घर होती तो फिर चलो मैं बना लेती। चलो हम जाने में तो ठीक है। और ये देखें जी व्यूअर्स, ये हमारे हमसायों के घर से आई है इफ्तारी, और साथ ये क्या है, बिरयानी बिरयानी पुलाव, चिकन पुलाव बना हुआ है। तो ये भी आया अभी, बस हमारी चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। अपना दस्तरखान भी लगाते हैं, या अपना दस्तरखान भी लगाते हैं। ओह ये तो अजाने शुरू हो गई हैं यार, फटाफट से मैं अपनी चीज़ें लेके आती हूँ। दौड़ो 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 दौड़ो। ये रखी हुई है मैंने खजूरें, ये ले अफ्तारी पहले कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी ला कसुमतु वबिका आमनतु वा अलैका तवक्कलतु वा अला रिज़्किका अफ़्तारतु। अब इफ्तारी करते हैं, अपना दस्तरखान लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करेंगे। चलें जी। असल में बात यह है कि बेगम साहबा, मैं तो चिप्स बना रहा था, बेगम साहबा फटाफट गई हैं साथ उनके घर वो अफ्तारी देने के लिए, उन्होंने भी आगे से ये पकोड़े चिप्स और पुलाव डाल के दे दिया, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो हमारी अफ्तारी तकरीबन रेडी है। फिर दस्तखान पे लानी थी, ये देखे ना मेरी कुड़ी, फिर ऊपर चढ़ाऊँ आपको, वो आ गई जी बेगम साहब। अब मैं दो दो हाथों में चीजें पकड़ के ला रही हूँ। बेगम साहब पानी तो ले आओ। बस ला रही हूँ। ये देखें जी हमारा दस्तरखान जो है लग गया माशाल्लाह से, कितना कलरफुल जो है वो लग रहा है, सारी चीज़ें कितनी वाइब्रेंट लग रही हैं। और यहाँ पे फिजा साहिबा बैठी हैं, क्या चाहिए आपको? वो क्या? चिप्स। चिप्स चाहिए, खजूर। ये वाह, ये वो भी, ये टमाटर चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं लेना, क्या लेना है? ये इन दोनों बाप बेटी का शुगर देखें, खीरा समझ नहीं आ रही आप, खीरा मांग रही है, मांग रही हूँ खीरा देखें, चावल खीरा, दूर इशारा कर रही है, ये खीरा है ना यार। फिजा क्या कर रही हो? अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि फिजा को क्या चाहिए, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारी इफ्तारी लग रही है। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से इफ्तारी वगैरह हमने कर ली है, और आप सबको आज का पांचवा रोज़ा और उसकी इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से पहला अशरा जो है वो तकरीबन हाफ गुजर चुका है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले रोज़े भी जो हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे से जाएंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह से आप लोग रोज़ों का अहतमाम करेंगे अपने घरों में भी। तो अभी जो है आप सब के को ये मैं कहना ये चाहूँगी कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो हमारे साथ हमारे व्लॉग्स को लाजमी देखे, और शेयर भी कर दिया करें हमारे व्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये है कि आपकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ, कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों कामयाबियां दे और अपनी हिफाजत में रखे, और आपके दस्तरखानों को भी वसत दे, दस्तरखानों को भी अल्लाह ताला मजीद वसत दे, और रमज़ान मुबारक के मौके में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके सदकात खैरात और इस तरह की चीज़ें जो है वो किया करें, वैसे भी करते रहा करें, सदका जो है वो देना चाहिए, बलाएँ टलती हैं, उससे आपकी बलाएँ जो है वो टलती हैं।
तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगली वीडियो है उसमें आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी फिजा करंट लग गया। अल्लाह हाफिज।